माय प्रैक्टिकली यूट्यूब चैनल पर काफी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यूरियस क्वेश्चन माय प्रैक्टिकली यूट्यूब चैनल पर पूछा गया कि फ्रेंड्स अगर MSBT समर 2020 री एग्जाम में बैक लगता है या फिर वो स्टूडेंट फेल होता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट में वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा तो उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, इसका आंसर जानेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना काफी लाजमी है, अगर MSBT समर 2020 री एग्जाम में बैक या फिर फेल हो जाते हो आप तो आपके साथ में क्या हो सकता है। सबसे पहले रिजल्ट लगने के बाद में MSBT री एग्जाम का अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है तो आपको सबसे ज्यादा गिल्टी फील होगा। मतलब रेगुलर एग्जाम में भी आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ और री एग्जाम में भी आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होगा। उसके लॉसेस में हम देखेंगे तो आपका एक साल पूरा वेस्ट जाएगा, मतलब 1 ईयर आपका पूरा डाउन हो जाएगा, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा पूरा 1 साल तक। आपको वो एग्जाम, आपको जो एग्जाम पेपर है वो क्लियर करना ही होगा, आपको ऑल क्लियर फाइनल ईयर में होना ही होगा तभी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशंस मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपका वो सब्जेक्ट बैक रह ही जाता है तो आपका वो पेपर बैकलॉग में कंसिडर होगा, आप वो बैकलॉग का पेपर रेगुलर एग्जाम मतलब एंड सेमिस्टर एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको क्लियर करना ही होगा तभी मतलब आपका बैकलॉग का पेपर रेगुलर में क्लियर होगा, ऑल क्लियर होने के बाद में आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप बस पेपर प्रॉपरली लिखिए, 28 मार्क्स से ज्यादा ही लिखिए आइए। MSBT का जो पर्पस है री एग्जाम का उसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो सके इस सेमिस्टर के लिए और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आपको एक बात बता दूं MSBT री एग्जाम का रिजल्ट जब भी अनाउंस होगा आपको फर्स्ट नोटिफाई किया जाएगा, तो बस आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे वीडियो को एंड शेयर विथ योर ऑल री एग्जाम अपीयरिंग स्टूडेंट्स।